हमारा आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ओके, तो मानते हैं एक वेक्टर ए है और उसको लिखे हम ए एक्स आई प्लस ए बाई दे। तो हम लिखते हैं इसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस के तरफ से कंपोनेंट कितना आएगा हमारा एक्स। उसी प्रकार से हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बाई एक्सिस। तो इसका क्या लिखेंगे ए बाई ए जो हम बताए हैं। तो ये कौन सा डायमेंशन हुआ, एक एक्स एक्सिस हुआ एक बाई एक्सिस हुआ। ओके, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है ये बाई एक्सिस है और ये वेक्टर यहाँ पे है। ओके, तो हम इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एक्स और कॉमा ए बाई। ओके, और ये हमारा वेक्टर ए है, ए हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में वेक्टर को तोड़ेंगे तो हम इस तरह से तोड़ेंगे एक्स आई प्लस ए बाई दे। ओके, अब इसको तोड़ते हैं तीन डायमेंशन। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन थ्री डी, ओके, वेक्टर ए का मान लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेट के। ओके, तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और डेट एक्सिस की तरफ। तो हम इसका लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका मान कितना आएगा हमारा एक्स। उसी तरह से अगर लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनॉन्ग बाई एक्सिस, इसका मान कितना आएगा हमारा ए बाई। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनॉन्ग डेड एक्सिस क्या होगा ए डेड। ओके, तो यहाँ पे इसका तीन कंपोनेंट आया। अगर हम लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा बाई एक्सिस और ये होगा हमारा कोई जेड एक्सिस। हाँ, यहाँ पे कोई वेक्टर ए है तो इसको किस तरह लिखेंगे ए एक्स ए बाई और ए जेड। ओके, अब हम जानेंगे कि वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दो तीनों को हम तोड़ेंगे कि तीन को से ज़्यादा में भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए नोट करके एक पॉइंट जरूर लिखिए कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट फॉर्म। ये एक फॉर्म में नहीं, एक से ज़्यादा फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं। इन्फिनिटी, जितना तक आप काउंटिंग जान सकते हैं, जितना तक आप काउंटिंग गिन सकते हैं उतना कंपोनेंट में एक वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं। लेकिन हम फिजिक्स में सिर्फ तीन डायरेक्शन पढ़ेंगे, सिर्फ थ्री डी तक हमको पढ़ना है और उसके आगे हम सब हाइपोथेटिकल चीज़ है। वो सिर्फ थ्योरी में हम उसको कितने कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर हम सिर्फ तीन डायमेंशन की बात करेंगे। तीन डायमेंशन के आगे हमको ना एग्जाम में पूछने वाला है और ना ही हमको कभी इसका जानने की जरूरत पड़ेगा। ओके, सिर्फ ये पूछेगा कि एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, तो इसको इनफाइनाइट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ओके, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। ओके ये हुआ हमारा वेक्टर बी और ये हुआ हमारा वेक्टर ए और ये हुआ एंगल थीटा वेक्टर बी से बनाता हुआ। तो देखिए ये इसका दो कंपोनेंट टूटेगा वेक्टर ए का, जो एंगल के परपेंडिकुलर होगा उसका मान आएगा हमारा ए साइन थीटा। ओके और जो इसके तरफ होगा उसका मान कितना होगा हमारा ए कॉस थीटा। तो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो बी के अलोंग हमारा ए का कंपोनेंट कितना हुआ ए कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, इसका मान कितना आएगा हमारा ए कॉस थीटा। और देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा ए बी कॉस थीटा। ओके तो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का मान कितना है ए कॉस थीटा। इसको अच्छा से तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी। तो ए कॉस थीटा का मान क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का मान ए कॉस थीटा। तो हमारा ए कॉस थीटा का मान आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी। ओके ए हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके अब हम अपनी स्टोरी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हम वेक्टर ए की एक ही बात किए हैं, उसी तरह से वेक्टर बी कब निकलेगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इसका मान क्या पुट करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए का मान कितना होगा हमारा बी कॉस थीटा। और हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होता है ए बी कॉस थीटा। इसको ठीक तरह से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखें ए और बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, वेक्टर बी का ए के तरफ रिजोल्यूशन करेंगे इसको रिजॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा बी कॉस थीटा का मान कितना आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओके ए हमारा आंसर आ गया। ये सब हमारा क्या है सब स्कैनर क्वांटिटी है। अब हमको वेक्टर क्वांटिटी में पूछेगा तो वेक्टर क्वांटिटी में कैसे बनाएंगे ये हमारा जरूरत प्रॉब्लम है। तो देखिए टू फाइन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ देयर यूनिट वेक्टर। ओके किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम उसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप और वेक्टर और ए कैप का मान कितना होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। उसी तरह से अगर वेक्टर बी आएगा तो बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा ऊपर में कैप लगाएंगे तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड।
ओके, अब हम इसका वेक्टर फॉर्म को देखते हैं जरा। वेक्टर रिजोल्यूशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का रिजोल्यूशन वेक्टर फॉर्म है। ओके, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी का मान कितना आता था हमारा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी। तो हमको वेक्टर बी के तरफ डायरेक्शन चाहिए, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा इसका, देखिए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, इसको क्या करेंगे यूनिट वेक्टर बी से गुणा कर देंगे, तो इस हमारा मान जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी, और उसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर दीजिए। तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी, और यूनिट वेक्टर बी का मान पुट करिए, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसका यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में देगा, आप उसको उस फॉर्म को देखिएगा किस फॉर्म में ऑप्शन दिया है, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा, उसके बाद फॉर्मूला पुट कीजिएगा, और इसके लिए फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपका दिमाग जानेगा सिर्फ वही आपका दिमाग सोचेगा, जो आपके दिमाग को नहीं पता होगा वो आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं। ओके, उसी तरह से हमारा वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के तरफ आया, और अब हम बी का कंपोनेंट ए के तरफ लिख लेते कॉपी में, ऐसे हमको पता है फिर भी अगर थ्योरी कॉपी पे नोट रहेगा तो दोबारा रिवाइज करने में और अच्छा रहेगा। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एंड ऑंग वेक्टर ए का मान कितना आएगा, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए। अब इसका वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, तो ए के तरफ निकालना होगा, उसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर दीजिए, इसका क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए, और इसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिए, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए, अब यूनिट वेक्टर ए का मान पुट कीजिए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए, ए हमारा आंसर आ गया। ओके, तो वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका हम सीख गए। अब हम देखते हैं नामिस थ्योरम की तरफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नामिस थ्योरम। तो नामिस साहब ने कहा है, देखिए ये वेक्टर ए हुआ हमारा, ये वेक्टर हमारा बी हुआ, और ये हमारा वेक्टर सी हुआ, और वेक्टर ए के दोटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में अल्फा हुआ, बी के सामने में बीटा होगा और सी के सामने में गामा होगा। तो ऐसे कंडीशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान जीरो होगा। ओके, और ऐसे कंडीशन क्या होगा, वेक्टर ए बाई
साइन अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू वेक्टर सी बाई साइन गामा। ओके, तो डामिस थ्योरम इतना ही कहता है। अब बाकी इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो हम इसका क्वेश्चन थ्री द वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि डामिस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कैसे किया था। ओके, अब हमारा था कोसाइन रूल, ये हमारा वेक्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद भी वेक्टर ही है, पूरे फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर है, लेकिन हम पूरे फिजिक्स में वेक्टर लेके चलेंगे तो आप बोर हो जाएगा। तो वेक्टर का हमारा जो थ्योरी है एक कोसाइन है, तो कोसाइन रूल के पास हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जहाँ जहाँ वेक्टर आएगा उसका एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए कोसाइन रूल, तो देखिए अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और उसका मान है ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेड के, तो हमसे कोई पूछेगा कॉस अल्फा का मान, तो कॉस अल्फा मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस से, कॉस बीटा मतलब बीटा क्या हुआ कि एंगल ऑफ वेक्टर ए बिट बाई एक्सिस, और गामा क्या हुआ एंगल ऑफ वेक्टर ए बिट डेड एक्सिस। तो उसी में अगर हमसे कोई कॉस अल्फा का मान पूछेगा तो कॉस अल्फा का मान होता है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, उसी प्रकार से कोई हमसे कॉस बीटा का मान पूछेगा तो इसका मान होगा हमारा ए बाई डिवाइडेड बाई ए, और कॉस गामा का कोई मान पूछेगा तो ए डेड डिवाइड बाई ए, और ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को बोलते हैं ए, और ए का मान कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए डेड स्क्वायर इसका रूट। ओके, और उसने कहा था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसका मान वन होता है। ओके, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला है जो कि हॉट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसका मान कितना होगा, तो इसका मान दो होता है। ओके, यह हॉट क्वेश्चन है, दिस इज अ हॉट क्वेश्चन, हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, इट नॉट समथिंग हॉट। ओके, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान हमारा वन होता है, और हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, यहाँ पे सबका मान पुट करना शुरू कीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा का मान वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का मान वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, सबका मान पुट कीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। अब देखिए वन 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 थ्री हो गया, और ये एक इधर आएगा लेफ्ट साइड, बाकी सब जितना निगेटिव है सब उधर जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना आ गया टू आ गया। तो इसके साथ हमारा फिजिक्स का थ्योरी ख़त्म हो गया, थ्योरी इज कंप्लीटेड।
बट वेक्टर इज नॉट कम्प्लीटेड। हमारा वेक्टर का थ्योरी कम्प्लीट हुआ, वेक्टर कम्प्लीट नहीं हुआ। अब वेक्टर तब तक कम्प्लीट नहीं होगा जब तक फिजिक्स कम्प्लीट नहीं होगा। जहाँ तक फिजिक्स है वहाँ तक वेक्टर है। ओके, तो इसके साथ थैंक यू। हमारे चैनल फिजिक्स दीदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपका फिजिक्स ईजी होगा, नहीं तो फिजिक्स एक पहाड़ होता है। ओके।